ये देखो गाइस किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग का काम होता है हाइड्रा के थ्रू, स्टोर से साइट तक किस तरह से मटेरियल को शिफ्ट किया जाता है। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का पूरा एक बंच है। आई थिंक इस एक बॉक्स में पूरा 40 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है। गाइस इस वक्त मैं ESP के मिडिल एलिवेशन पर हूँ और वीडियो में जो आप डस्ट उड़ते हुए देख रहे हो ये डस्ट उड़ने का रीज़न क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हो कितनी डस्ट उड़ रही है यहाँ पर। गाइज अब आप इस एंगल से देखो, इस वक्त मैं ग्राउंड लेवल पर हूँ और सामने की तरफ देखो कुछ इस तरह से ऐश डंपिंग होती है थर्मल पावर प्लांट में। जब ऐश का लेवल हाई हो जाता है हॉपर में तब उसे कुछ इस तरह से डंप किया जाता है नीचे 0 मीटर पर, और यही रीज़न है जो इतने सारे आप डस्ट देख रहे हो। इतना डस्ट होने के बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं, वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो। गाइज कितना प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा डस्ट की वजह से, और ये सब लापरवाही का नतीजा है जो इस वक्त आप वीडियो में डस्ट देख रहे हो। अगर नोज मास्क लगा के काम ना किया जाए तो लोग बीमार हो जाएंगे। देख लो गाइस क्या कंडीशन है गवर्नमेंट प्लांट का, आपको चारों तरफ सिर्फ राख की राख दिखाई दे रही होगी। ये देखो सामने राख का ढेर लगा हुआ है, वो पासी का एरिया है जहाँ पर आप राख देख रहे हो, और ये जो बंदे लगे हुए हैं ये पासी में लगे हुए हैं। वहाँ पर वेल्डिंग मशीन फंसी हुई है, राख में पूरा जाम हो गई है, उसे वहाँ से निकालना है। यहाँ पर देखो पूरा पानी का जमाव लगा हुआ है, इस पानी की वजह से वो राख की वजह से हमारी वेल्डिंग मशीन खराब हो सकती है, बर्न हो सकती है, तो उसे वहाँ से हटाना है, शिफ्ट करना है दूसरी जगह पर। गाइज इस वीडियो में आप देख सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है वेल्डिंग मशीन को शिफ्ट करने के लिए, और ये सब हो रहा है प्लांट मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण। बिकॉज ये पूरी की पूरी जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पर आप वीडियो में देख सकते हो आपको चारों तरफ राख का ढेर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने आज से पहले राख का ढेर नहीं देखा है तो इस वीडियो में देख सकते हो आपको राख का ढेर दिखाई दे रहा होगा, और यही ऐश पहुंचती है डिफरेंट पावर प्लांट तक जो सीमेंट प्लांट होता है। पर ये जो आप ऐश देख रहे हो, राख का ढेर देख रहे हो, इसे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा, और ये सारी जो पाइपलाइन लगी हुई है ना, इस पाइपलाइन के थ्रू राख साइलो तक पहुंचती है, ट्रांसफर साइलो तक, और वही ट्रांसफर साइलो से सीमेंट प्लांट तक पहुंचती है ये सारी पावर प्लांट की ऐश। पर यहाँ पर आप देख सकते हो राख का ढेर, अगर आपने आज से पहले नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में देख लो, आपको चारों तरफ राख का ढेर दिखाई दे रहा होगा। ये हाल है गवर्नमेंट के प्लांट का, जो जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए वो बिल्कुल डस्टी है, पूरा चारों तरफ आपको ऐश ही ऐश दिखाई दे रहा होगा।